आज मैं आपको मल्टी कलर में बहुत ही आसान और सिंपल सा ये डिज़ाइन बुनना बताऊंगी। आप चाहें तो इसे दो रंगों में भी बना सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एज ग्रुप के स्वेटर्स या सिर्फ बॉर्डर्स में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ऑड नंबर में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये डिज़ाइन सिर्फ 6 रो की ही है। तो चलिए अब हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है टोटल 11 स्टिचेज, और फंदे डालने के बाद ये मैंने थोड़ी सी बॉर्डर बना ली है, और ये हमारा रॉन्ग साइड है। डिज़ाइन हम उल्टे साइड से ही बुनना शुरू करेंगे, और रो वन में जो भी हमारा दूसरा कलर होगा वो लगाएंगे, और उससे हम सभी फंदे को उल्टे ही बुनेंगे। अब हम राइट साइड रो टू में आ गए हैं, और इस रो में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब एक फंदा बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे, फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, और फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस रो में हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा स्लिप करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड रो थर्ड में आ गए हैं, और इस रो में हम जो फंदा पिछले रो में उल्टे बुना गया था उसे तो हम उल्टे ही बुनेंगे, और जो फंदा पिछले रो में स्लिप किया गया था उसे हम इस रो में सीधे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस रो में हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम राइट साइड रो 4 में आ गए हैं, और इस रो में हम सभी फंदे को सीधे ही बुनेंगे। में आ गए हैं, और रो 5 में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। उसके बाद राइट साइड रो 6 में सभी फंदे को सीधे बुनते हुए हम इन दोनों रो को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए, रो 6 तक बुन लेने के बाद अब इस डिज़ाइन को कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1 to 6 को ही रिपीट करना होगा। सिर्फ हम नेक्स्ट 6 रो को अपने दूसरे कलर से बुनेंगे, और इसी तरीके से हर एक 6 रो के बाद कलर चेंज करते हुए हम इस पैटर्न को बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से आगे आगे बनते जाएगा।